हिमेश के साथ ये पहली बार हुआ है। हिमेश जी ने मुझे उनके ऑफिस से फ़ोन आया, उनके ऑफिस से फ़ोन आकर उन्होंने बोला कि सचिन आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब उन्होंने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझको ये लगा कि हिमेश जी के ऑफिस से फ़ोन आया, तो ऐसे मुझे क्रैंक कॉल्स आते रहते हैं। तो बोला हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, बट नेक्स्ट डे मैं गया नहीं। उनका फिर फ़ोन आया, अरे आप आए नहीं। तो फिर मुझे रिलायंस हुआ नहीं, असली ऑफिस से ही फ़ोन आया उनका। तो मैं नेक्स्ट डे मिलने गया और हिमेश जी ने बोला कि मैं कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ एचआर म्यूजिक, और मैं चाहता हूँ सबसे पहला सॉन्ग उसका कोलैबोरेशन मैं आपके साथ करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। इतना बड़ा सीनियर आपको बुलाते हैं और आपके साथ एक गाना बनाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप एक धुन बना लीजिए और हम दोनों उस पर जैम करेंगे। तो मैं एक धुन बनाकर गया उनसे मिला, और एक सेकेंड में उनको धुन बहुत अच्छी लगी वो, और हम दोनों ने उस पर जैम किया, मैंने और हिमेश जी ने उसको और थोड़ा बेटर किया। उन्होंने को कंपोज़ किया मेरे साथ वो सॉन्ग, और जब मैं गा रहा था तो गाते गाते उन्होंने बोला कि ये गाना भी आप ही गाओ। मतलब हिमेश जी कह रहे हैं गाना भी आप ही गाओ, कंपोजिंग भी आप ही कर रहे हो। तो एक कोलैबोरेशन अच्छा हुआ, उनको पसंद आया सब कुछ। और फिर एक दिन उनका फ़ोन आता है, बोलते हैं ये मैं दमादा मूवी का प्रमोशनल ट्रैक बना रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कभी किसी को यूज़ नहीं करते और किसी के सॉन्ग के ऊपर वो एक्ट नहीं करते, बट गिविंग मी अ चांस लाइक दैट, सो आई रियली फेल्ट हैप्पी, बहुत अच्छा लगा।